जिस तरह बॉलीवुड में विलेन और हीरो ने ख्यातियाँ पाई है, उसी तरह कई ऐसी हीरोइनों ने झंडे गाड़े हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हीरोइन बोल्ड सीन दे या डांस करे तभी वे फेमस होंगी, बल्कि कुछ ऐसी भी हीरोइनें रही हैं जिन्होंने माँ का रोल किया और अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया। हम ऐसे ही एक एक्ट्रेस के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जिनमें दूध का कर्ज फिल्म में माँ का रोल निभाया था। आपको बता दें, एक्ट्रेस पर जिन एक्ट्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इतने सालों बाद वो इतनी बदल गई हैं कि कोई उन्हें पहचानने से इनकार कर दे। चलिए बताते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। फिल्म दूध का कर्ज में बॉलीवुड के इतिहास में इतनी उपलब्धियां पाई कि जितना बताओ कम होगा, क्योंकि आज गांव हो या शहर, परिवार के हर सदस्य में ये फिल्म देखी रखी है। इस फिल्म का निर्देशन अशोक गायकवाड़ ने किया था, वहीं फिल्म निर्माता कोई और नहीं बल्कि सलीम अख्तर थे। फिल्म में सबसे महत्वपूर्ण रोल जैकी श्रॉफ का था और उनका साथ देने के लिए एक्ट्रेस नीलम कोठारी को रोल दिया गया था। वहीं महानायक खलनायक अमरीश पुरी ने नीलम के पिता का किरदार निभाया, लेकिन जैकी श्रॉफ की मां का रोल करने वाली एक्ट्रेस का नाम अरुणा ईरानी था, जो आज ऐसी बन चुकी हैं। अरुणा ईरानी की फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, लेकिन दूध का कर्ज फिल्म में उन्होंने पॉजिटिव रोल देकर सबसे सबके सामने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। आपको शायद पता नहीं होगा कि अरुणा सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन डांसर भी है। अरुणा ने अपने करियर में जमकर काम किया, इतना जी हाँ उतना ही शायद आजकल की कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस कर पाए। बता दें कि इतनी पुरानी हो जाने के बावजूद वे आज भी एक्टिंग कर रही हैं, क्योंकि सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि कहते हैं पर्दे पर भी, छोटे पर्दे पर भी वो धाक जमा रखी हैं। साल 2001 से 2005 तक अपने भी सीरियल देश में निकलेगा चांद में अपने अभिनय उन्होंने जरूर दिखाया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भाग्य लक्ष्मी, कहानी घर घर की, झांसी की रानी जैसे चर्चित सीरियल में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाया। फिल्म अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।